राहु का गठबंधन एवं दृष्टि, शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति। नमस्कार, मैं अष्ट गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने ज्योतिष के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह पर अर्थात राहु पर एक छोटी श्रृंखला शुरू की है। राहु के संदर्भ में हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है। मूल रूप से राहु को अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन इस राहु के कई रहस्य हैं। विशेष रूप से आज के आधुनिक काल में राहु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे हम ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले हैं। संक्षेप में आप राहु को समझना चाहते हैं, राहु के रहस्य को समझना चाहते हैं, तो आज के भाग को अंत तक देखना ना भूले। साथ ही यह श्रृंखला आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें, ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। राहु को लेकर हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ, गलत फहमियाँ हैं। उन गलत फहमियों को हमने दूर करना चाहिए। मिले हुए जीवन में भोग को भोगिए और मुक्त हो जाइए, ऐसी भूमिका हमने लेनी चाहिए, ताकि अगला जीवन अधिक समृद्ध हो सके। संक्षेप में कहा जाए तो राहु और केतु दोनों अपने अपने स्थानों पर उचित होते हैं। राहु कई चीज़ों में नकारात्मक होता है। जिस कुंडली में वह अनुचित स्थान में हो, अनुचित राशि में हो, अनुचित ग्रह के साथ हो, तो उसके अत्यंत नकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं। ऐसे नकारात्मक प्रभाव पर हम क्या कुछ कर सकते हैं? तो हाँ, हम सकारात्मक कार्य निश्चित रूप से कर सकते हैं। किसी कुंडली में चंद्रमा राहु यह गठबंधन हो तो ऐसा जातक सदैव थोड़ा सा विचलित रहता है, थोड़ा सा चिंता में रहता है। ऐसी स्थिति में जातक का जीवन साथी कैसा प्रतिसाद देता है, उस पर उनके रिश्ते की सफलता निर्भर करती है। सामने वाले को पता हो कि मेरे जीवन साथी की कुंडली में चंद्रमा राहु का गठबंधन है या चंद्रमा केतु का गठबंधन है, उसके कारण जीवन साथी यदि थोड़ा सा विचलित हो जाए तो उसे शांति से समझना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने पर ही उनका रिश्ता आगे समृद्ध हो सकता है। इसके विपरीत यदि कुछ ऐसा पूछा जाए कि जिससे जीवन साथी को दुख हो, तो उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। फिर कहा जाता है कि राहु के कारण रिश्ता टूट गया। राहु यह विघटन का कारक है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन सत्य तो यह है कि गलती हमारी होती है। अपने जीवन साथी की मानसिक स्थिति को समझकर यदि हम उचित पद्धति से कार्य करते हैं तो ही रिश्ता समृद्ध होता है। विशेष रूप से केतु और चंद्रमा का गठबंधन हो तो विषयों को ना बढ़ाते हुए जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी भूमिका यदि जीवन साथी लेता है तो उनका रिश्ता टिकता है और उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि राहु और केतु यह दोनों जब किसी ग्रह के साथ गठबंधन में होते हैं, विशेष रूप से चंद्रमा उनका शत्रु है, क्योंकि चंद्रमा ही विष्णु जी को बताता है कि यह दानव अमृत प्राशन कर रहा है, जिस कारण राहु और केतु चंद्रमा को अपना बड़ा शत्रु मानते हैं। यही स्थिति रवि के साथ भी होती है। रवि राहु गठबंधन के कारण अधिकार पद न मिलना, अप्रत्याशित रूप से अपमान होना, पिताजी के साथ रिश्ते में दरार आना, प्रतिष्ठा प्राप्त न होना, ऐसे प्रभाव हो सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति आपकी निरीक्षण शक्ति अत्यंत प्रबल होनी चाहिए। आपके ध्यान में शीघ्रता से आना चाहिए कि कब स्थिति बिगड़ने वाली है। उसके पहले ही दो कदम पीछे लेकर आप स्वयं को संभाल सकते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को बचा सकते हैं। उसके बाद यदि राहु और मंगल का गठबंधन हो तो उसे अंगारक दोष कहा जाता है, क्योंकि इस गठबंधन के कारण जातक कब क्रोधित हो जाएगा, कब अनुचित कार्य करेगा,
यह उसे खुद भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम ज्योतिष का सखोलता से अध्ययन करते हैं तो गोचर द्वारा हम उस अवधि को खोज सकते हैं, अर्थात हम अप्रत्याशित रूप से कब विचलित हो सकते हैं, हमारे लिए समस्या कब उत्पन्न हो सकती है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि राहु मंगल गठबंधन हमारी कुंडली में है जिस कारण चिंता का एक विशेष अवधि अवश्य आएगा। तो कहीं ना कहीं एक आदत लगा लेनी है कि क्रोध के समय में थोड़ा सा पानी पीना या किसी मंत्र का जाप करना। ऐसा करने से मन शांत होता है और फिर बुद्धि उचित पद्धति से कार्य करने लगती है जिस कारण हम उचित निर्णय ले सकते हैं। राहु मंगल गठबंधन का प्रभाव भी कम होता है। इसी पद्धति से जब राहु और बुध ग्रह का गठबंधन हो तो जातक अपने बोलने से लोगों को तोड़ता है, लोग दूर हो जाते हैं, अनुचित शब्दों को बोलकर जातक भूल जाता है लेकिन सामने वाला व्यक्ति उन्हें याद रखता है जिस कारण उनमें दरार आ जाती है। तो आपके कुंडली में यदि राहु और बुध का गठबंधन हो तो आपने एक छोटी सी आदत लगा लेनी चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार नहीं दो बार विचार करें। ऐसा करने से राहु और बुध का गठबंधन आपको बड़ी उन्नति दे सकता है क्योंकि मूल रूप से यह दोनों मित्र ग्रह माने जाते हैं। वे दोनों वायु तत्व की राशि में हो, शुभ स्थान में हो तो अत्यंत सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। साथ ही राहु और बुध का गठबंधन होने पर कई बार जातक को कारण से या अकारण से भी झूठ बोलने की आदत लग सकती है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि सदैव सत्य ही बोलना है। वे आपके लिए, आपके जीवन साथी के लिए लाभकारी हो सकता है, यहाँ तक कि आपके बच्चों के लिए, आपके साथ जो लोग रहते हैं उन सभी के दृष्टि से विचार करें तो यह बात लाभकारी हो सकती है। इसी पद्धति से आगे जाकर विचार करें तो राहु और गुरु का गठबंधन होने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जातकों ने अपने गुरु समान लोगों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, घर के सभी ज्येष्ठ सदस्यों का कभी भी अपमान करना नहीं चाहिए। राहु और गुरु का गठबंधन आपकी कुंडली में बना है तो वह आपको सूचित करता है कि जब जब आप किसी गुरु समान व्यक्ति का अपमान करेंगे तब तब उसके आपको नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। इसीलिए वैसी गलती कभी ना करें। उसके बाद राहु और शुक्र इन दो ग्रहों का गठबंधन हो तो सबसे पहले जातक ने अपने जीवन साथी से एकनिष्ठ रहना चाहिए, अपने जीवन साथी को उचित मान देना चाहिए, विशेष रूप से घर की सभी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। फिर चाहे वह माताजी हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, इन सभी का आपने सम्मान करना चाहिए। आपकी कुंडली में राहु शुक्र का गठबंधन हो तो घर की सभी महिलाओं का सम्मान करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उसे हम उपाय शास्त्र भी कहते हैं। यह उपाय करने से राहु शुक्र गठबंधन के दुष्प्रभाव आप तक पहुंच नहीं सकते। साथ ही आप राहु को दोष नहीं दे सकते कि राहु के कारण ऐसा हुआ। राहु के रहस्य को समझते हुए राहु और शनि का गठबंधन, यह एक और महत्वपूर्ण विषय आता है। इस संदर्भ में भी विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है। यहाँ क्या होता है कि यह दोनों धीमे ग्रह दोनों एक ही स्थान में गठबंधन में होते हैं और वे दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं। फिर ज्योतिष के अनुसार राहु शनि का गठबंधन नकारात्मक माना जाता है क्योंकि आपके कुंडली में यदि यह गठबंधन है तो कई बार सहकर्मियों से, स्टाफ से आपका रिश्ता खराब रहता है। मजदूर आपकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, जीवन में उन्नति होते हुए दिखाई नहीं देती, आपके स्वप्न छोटे रह जाते हैं, कार्य करने की पद्धति छोटी रह जाती है और उनके नकारात्मक प्रभाव को लेकर आप जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं हो तो उसे काम पर ही ना रखें, लेकिन अपने स्टाफ के साथ, सहकर्मियों के साथ अच्छा बर्ताव रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है।
साथ ही पशु पक्षियों की सेवा करना, ज्येष्ठ नागरिकों की सेवा करना, किसी पर भी ना हंसना, ऐसी चीज़ें आपके लिए आवश्यक होती है जो हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में होती है। उनका पालन यदि हम करें तो राहु शनि गठबंधन होने पर भी आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार राहु के रहस्यों का हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया। कुल 4 भागों में इस पद्धति से हमने विश्लेषण किया। इसी पद्धति से केतु का भी महत्व है। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में राहु की महादशा शुभ होती है और केतु की महादशा अशुभ होती है। साथ ही केतु की महादशा शुभ हो तो राहु की महादशा अशुभ होती है। केतु की महादशा 99% लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ केत छुड़ाए खेत ऐसा कहा जाता है। हर चीज़ का नकारात्मक प्रभाव सामने आता है। ऐसे केतु के महादशा के 7 वर्ष पार करना अत्यंत कठिन हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको राहु को समझाने का प्रयास किया, वैसे ही यदि आप केतु को समझ लेते हैं तो आपको अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि केतु अध्यात्म एवं धर्म का कारक है। केतु अर्थात बिना सिर का शरीर, उसके आपने उचित उपाय किए, अच्छा बर्ताव किया, जिन ग्रहों के साथ केतु है उन ग्रहों के उपाय किए, तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वैसे भी हमारे पराशरी ग्रंथ में बताया गया है कि पहले ग्रह को समझो, उनकी दिशा के अनुसार आचरण करो, आपको शुभ फल प्रदान करने के लिए वे बाध्य होंगे। यही नियम राहु और केतु को भी लागू है। राहु ग्रह पूर्ण रूप से ना शुभ है ना अशुभ है, केतु भी पूर्ण रूप से ना शुभ है ना अशुभ है। यह उनकी कार्य करने की पद्धति है, उसी पद्धति के अनुसार वे फल प्रदान करते हैं। आप यदि उचित पद्धति से आचरण करते हैं, क्योंकि भले ही आपका भाग्य हो, पिछले जन्म के आपके कर्म हो, फिर भी इस जन्म में स्वतंत्र रूप से कर्म करने का अवसर ईश्वर ने आपको प्रदान किया है। इस स्वतंत्र कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जैसा हमने पहले भी देखा कि राहु चंद्रमा का गठबंधन होने पर क्या करना चाहिए, राहु रवि गठबंधन होने पर क्या करना चाहिए, हर ग्रह के गठबंधन के अनुसार होने वाले परिणाम और उसके अनुसार उपाय भी दिए हैं। इसी पद्धति से भाग्य को उजागर करना अशक्य नहीं है, इस बात को सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार राहु का रहस्य अब आपके समझ में आया होगा और राहु के कार्य करने की पद्धति भी समझ में आई होगी। तो ऐसा राहु आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को मंगल देव की मेष राशि से मीन राशि अर्थात गुरुदेव की राशि में प्रवेश करेगा। उसी दिन केतु ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेगा। यह दोनों ग्रह सदैव वक्री रहते हैं। 12 अप्रैल 2022 को वे मेष राशि और तुला राशि में आए थे। अब लगभग 18 महीनों के बाद वे मीन राशि और कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। उनके हर राशि पर स्वतंत्र प्रभाव पड़ने वाले हैं। उन प्रभावों को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही उन प्रभावों का सामना सकारात्मक रूप से कैसा किया जा सकता है इसका भी विचार करेंगे। उनके उपायों पर भी सखोल पद्धति से विचार करेंगे। महादशा जीवन में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। यदि महादशा शुभ हो तो आपको जीवन सफल बनता है, यदि अशुभ हो तो असफल बनता है। शुभ महादशा में आपको सहयोग मिलता है तो अशुभ महादशा आपको उसे संतुलित बनाए रखना पड़ता है। वैसा करने पर ही आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त होते हैं। राहु के रहस्य समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।
ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।